अस्सलामुअलैकुम बच्चों बच्चों क्लास सेवन्थ है, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर वन नेम है सेट्स। तो टॉपिक का नेम यहाँ पे है बच्चों एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.5, उसका क्वेश्चन नंबर वन है जी, क्वेश्चन नंबर वन है और इसका पार्ट नंबर है 6। ठीक है, तो बच्चों मैं इसके पहला सवाल है जो इसकी स्टेटमेंट को मैं दोबारा से रीड कर देता हूँ, पहले भी मैंने बहुत दफ़ा रीड किया। शेड द डायग्राम्स अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑपरेशंस, यहाँ पे डायग्राम्स दी हुई हैं, यहाँ पे उनको हमने शेड करना है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशंस दिए होंगे ना, ऑपरेशंस बोलते हैं अमल को, ये जो नीचे अमल दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो नीचे यूनियन है या इंटरसेक्शन है, किस लिहाज से हमने इनको शेड करना है, इनको ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस के लिहाज से हमने शेड करना है, इनको कलर करना है हमने। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 6 है बच्चों, ए यूनियन बी, हमने ए यूनियन बी का आंसर निकालना है, कौन से दो सेट्स के लिए, फॉर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स बच्चों होते क्या, ऐसे सेट्स हैं, ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना ना हो, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये पार्ट नंबर है। आगे सॉल्यूशन इसका हम करेंगे, सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बच्चों करवाता हूँ, यहाँ से एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैं दो सेट आपको लेके चेक करवाता हूँ कि एक सेट मैंने ले लिया ए, इसमें है एलिमेंट्स 1, 2, 3, और एक और हमने सेट ले लेते हैं हम, सेट बी है, इसमें है 4, 5 और 6। इन दोनों में देखें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद हैं, कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे बच्चों डिसजॉइंट सेट्स। तो बच्चों अब हमने इनका लेना क्या है, यूनियन लेना है हमने इनका। ठीक है, यूनियन, तो यूनियन बच्चों हम लेके चेक करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा, पहले ए की वैल्यू लगाएंगे, फिर यूनियन, फिर आगे बी की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसका आंसर निकालने लगा हूँ, ए यूनियन बी बराबर होगा। यूनियन में बच्चों हमने तमाम चीज़ें लिख देनी होती हैं। ठीक है, दोनों सेटों की तमाम चीज़ें, तो देखें ज़रा 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसका आ गया, और इसमें है 4, 5, 6, और 4, 5, 6 भी नीचे आ गया। तो ओवरऑल यूनियन में क्या आ गया, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, यानी कि ए भी इसमें आ गया और बी भी इसमें आ गया। तो यूनियन में ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा फॉर डिसजॉइंट सेट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे ना, सोल्यूशन में हमने जो हमारा आंसर आता है ना बच्चों, वही हमने शेड करना होता है। तो बच्चे देखें ज़रा यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर यहाँ पे आया है ए, पूरा का पूरा ए और बी दोनों मिलकर आ गए हैं। ठीक है, तो ए और बी को हम दोनों को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, यही हमारा काम है। तो ये बच्चों हमने ए को भी ब्लैक कलर का शेड कर दिया सारा, और बी को भी हमने ब्लैक कलर का सारा शेड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, ए यूनियन बी, यानी कि ए भी इसमें मौजूद है और बी भी मौजूद है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बुक से पेज नंबर इसका बताता चलूं कि ये देखिए पेज नंबर 23 है बुक से, और ये बच्चों पार्ट नंबर ये है पार्ट नंबर 6। ठीक है, ये हमने किया आज काम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।